हमारा देश बहुत दिनों से, इस देश के सारे बुद्धिजीवी, इस देश के सारे नेता सब दावे करते चले जा रहे हैं कि हम प्रगति की ओर हैं, एक महासत्ता बनने जा रहे हैं, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में बैठने जा रहे हैं। यदि आप आज कोई भी मैनेजमेंट कॉलेज में जाकर बात कीजिए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 99% विद्यार्थी बोलेंगे हाँ, ये देश निश्चित तौर पर विकसित होता चले जा रहा है। इतना जबरदस्त प्रचार है, लेकिन ये सारे के सारे लोग एक बुनियादी बात भूल जाते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि कोई देश अपने देश के बच्चों को शिक्षित किए बगैर विकसित हुआ हो, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। और दूसरी बात, जिन भी देशों ने अपने देश के बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ली है, उनमें से कोई भी देश ने इसको निजी क्षेत्र में नहीं किया है। दुनिया के सारे देश, भले ही वो निजी भांडवलशाही वाले देश हो, भले ही वो प्राइवेट एंटरप्राइज को प्रमोट करते हो, भले ही वो खुली बाजार वाली अर्थव्यवस्थाएं हो, इन सारे के सारे देशों ने अपने सारे देशों को सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के तहत, स्टेट फंडेड एजुकेशन के तहत शिक्षित किया है। दुनिया में इसका कोई अपवाद नहीं है। दोस्तों, हम आज जिनको विकसित देश कहते हैं, वो अलग बात है कि उनके विकास के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें हमारे देश जैसे देशों के लूटने का भी एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन उसके अलावा वो जब विकसित हुए तो उन्होंने अपने विकास की पूर्व शर्त के रूप में, उन सारे देशों ने 19वीं सदी में ही, आज से 150 साल पहले, उन्होंने योजनाएं ली और अपने सारे देश के बच्चों को अनिवार्य कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की, उपलब्ध कराई। ये उन सारे देशों की बिना अपवाद की कहानी। और एलिमेंट्री एजुकेशन को कंपलसरी और फ्री करने के बाद, जब थोड़ा और पैसा इकट्ठा हुआ तो उन्होंने अपने सारे देश के बच्चों को पूरी स्कूल एजुकेशन फ्री कराई, और उनमें से ज्यादातर देशों ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी अपने सारे बच्चों को फ्री की। इसका दुनिया में सारे विकसित देशों की यही कहानी। उसके बाद जापान ने बाद में विकास करना शुरू किया, 1850-60 में जब मेजी रेस्टोरेशन हुआ, जब वहां पर तेजी से उन्होंने कदम उठाए भांडवली विकास के, और बहुत तेजी से विकास किया। तो जापान ने पहला काम यह किया, कानून बनाया कि हम अपने सारे देश के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे सरकार के द्वारा, और यह उन्होंने 20 साल के अंदर पूरा कर दिया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर जब देश आजाद हुए, जो देश पहले गुलाम थे, उनमें से जिन भी देशों ने तेजी से विकास किया, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण पूर्व एशिया के देश हैं, साउथ कोरिया, ताइवान वगैरह, इन सारे के सारे देशों ने जापान की नकल करके अपने देश में कानून बनाकर सारे बच्चों को फ्री और कंपलसरी स्टेट फंडेड एजुकेशन भी उपलब्ध कराई, तब उन्होंने नींव रखी अपने देश के तेजी से विकास की। आज जो भी तीसरी दुनिया के गरीब देश, जो थोड़े विकसनशील माने जाते हैं, ब्राजील हो, मेक्सिको, चिली हो, इन सारे के सारे देशों में स्कूल एजुकेशन फ्री है, सारे बच्चों के लिए उपलब्ध है। कोई इनमें से कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें कि 40% बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी ना कर पाते हो, भारत को छोड़कर। कोई अपवाद ही नहीं। क्यों? क्योंकि शिक्षा विकास की नींव रखती। शिक्षा के चलते आपके सारे बच्चों के दिमाग खुलते हैं। इंसान और जानवर में बुनियादी फर्क यही है कि जो पीढ़ियों से विकास होता आया है, हर पीढ़ी अपनी नई पीढ़ी को वो शिक्षा के द्वारा शिक्षित करती है कि हमने आज तक क्या किया, अब तुम दुनिया को इससे आगे ले जाओ।
ये कब होगा? आप सारे बच्चों को विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी, फिलॉसफी कैसे सिखाओगे? शिक्षा के द्वारा। तो जब तक आप बच्चों को शिक्षित नहीं करते, आप अभी तक का सारा ज्ञान उन बच्चों को दे ही नहीं सकते, और फिर वो बच्चे उससे आगे उस ज्ञान को ले ही नहीं जा सकते। तो इंसान और जानवर की जो बुनियादी फर्क है कि इंसान अपने बच्चों को शिक्षित करता है, योजना बनाकर अभी तक के विकास को उनको सिखाता है। सारी दुनिया के देशों ने इसको समझा, और इसके बावजूद कि वो फ्री मार्केट इकोनॉमीज थी, क्योंकि वो जानते थे कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ नफे के लिए इन्वेस्ट करता है और ऐसे में गरीब बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे, उन्होंने अपनी सारी जनता को शिक्षित किया, यानी अपने बच्चों को विकसित होने की संभावना, बच्चे विकसित हो इसकी संभावना तभी हो सकती है जब बच्चे शिक्षित, नहीं तो आपकी क्षमता खुलेगी नहीं। लेकिन बात सिर्फ इंसान की क्षमता खुलने की नहीं है, समाज भी तभी विकसित होगा जब आपके बच्चे शिक्षित होंगे, क्योंकि जब बच्चे शिक्षित होंगे तो तकनीक सीखेंगे तो तकनीकी विकास तेजी से होगा, जब बच्चे शिक्षित होंगे तो फिर वो सारा साहित्य संस्कृति समझ सकते हैं, बहसों में भाग ले सकते हैं, अंधश्रद्धाओं के बारे में जान सकते हैं कि अंधश्रद्धा है कि नहीं है, तो तरह तरह की जो बहसें हैं जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, वो सारी बहसों में भाग ले सकते हैं। यानी आप वाकई एक डेमोक्रेटिक जनवादी सोसाइटी बनाते हो जब आप समाज को शिक्षित करते हो। तो डेमोक्रेसी के लिए, विकास के लिए लोग, पूरा समाज उस विकास में भाग ले, पूरा समाज देश की नीतियां कैसी हो उसमें भाग ले, इसको समझे, इसमें अपनी राय दे, ये सारा तभी हो सकता है जब आप देश की जनता को शिक्षित करेंगे, यानी बच्चों को शिक्षित करेंगे। तो दुनिया के सारे देशों ने इसको समझकर और ये जानकर कि आप ये शिक्षा सिर्फ स्टेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में उपलब्ध करा सकते हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, जैसे आपने नाटक में देखा, सिर्फ नफे के लिए स्कूल खोलेगा, तो दुनिया में कोई भी जो देश विकास कर रहा था उसने प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा को नहीं छोड़ा, बकायदा सरकार ने योजना बनाकर सारे बच्चों को शिक्षित किया। हमारे देश का जब निर्माण हो रहा था, जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय इस देश के जो लीडर्स थे वो इस बात को समझते थे, और इसीलिए उन्होंने उस जमाने में 1870 से ये मांग उठ रही है, अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने लगातार मांगे की कि सरकार सारे बच्चों को शिक्षित करने के कदम उठाए। बकायदा कांग्रेस ने अलग अलग समय पर अपने जो उस जमाने की कांग्रेसेस थी उसमें प्रस्ताव पारित किए, और यही कारण है कि संविधान में एकमात्र क्लॉज जो टाइम बाउंड है वो ये है कि हम अपने देश के सारे बच्चों को 14 साल तक कम से कम 10 साल के अंदर शिक्षित कर देंगे, एकमात्र क्लॉज है। भले ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हो, लेकिन एकमात्र क्लॉज है। अंबेडकर वगैरह उस जमाने में ही चाहते थे कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ना होकर मुख्य संविधान के हिस्से में आए, फंडामेंटल राइट्स में आए, लेकिन तब भी ये हुआ कि चलिए फिलहाल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा जाए, लेकिन समझदारी ये थी कि 10 साल के बाद आप 14 साल से आगे बढ़ जाएंगे, पहले 14 साल तक उपलब्ध कराएंगे कंपलसरी शिक्षा, उसके बाद स्कूल एजुकेशन यानी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी फ्री कराएंगे, ये उस समय की समझदारी थी। तो इस देश के जो कर्णधार थे, जिन्होंने आजादी की नींव रखी, जिन्होंने संविधान बनाया, सबका सपना यही था कि यदि वो इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि यदि इस देश को विकसित होना है तो जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया, बल्कि जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि यदि आप देश को शिक्षित कर देंगे तो वो गुलामी को चुनौती देगा, उन्होंने समझ कर कि देश, अब हम एक नई देश बनाने जा रहे हैं, उन्होंने संविधान में इस बात को बकायदा दर्ज करा। ये अफसोस की बात है कि आजादी के बाद इस पर उतना जोर नहीं दिया गया जितना कि और देशों में दिया गया, लेकिन शिक्षा का विकास तो हुआ ही। लेकिन जब से पिछले 20 सालों से, जब से इस देश पर, जैसे जावड़ेकर जी ने बोला कि जब एक गुलामी की पूरी दोबारा लाट आई, एक बार फिर ये देश विदेशी शासकों के कर्जे तले दबने लगा,
उनकी शर्तें इस देश पर लागू होने लगी और बकायदा इस देश ने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम का करार साइन किया विश्व बैंक के साथ। उसकी एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि एक बार फिर शिक्षा को खासगी क्षेत्र में किया जाए, यानी शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करके फिर उसको उसका बाजारीकरण किया जाए और उसको भी मुनाफे के लिए खुला कर दिया जाए। यानी एक बार फिर जिस चीज के लिए आजादी की लड़ाई में एक जो महत्वपूर्ण मांग थी, फिर हम वहां पहुंच गए कि फिर इस देश में शिक्षा का बाजारीकरण होगा, अधिकांश बच्चों को उसके चलते शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाएगी क्योंकि फिर वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे। हम वापस उसी हालत में आज पहुंच गए हैं और एक बार फिर वो मांग जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी से लेकर और गोखले से लेकर और गांधी से लेकर और अंबेडकर ने उठाई, आज अफसोस की बात है कि आजादी के 70 साल बाद फिर दोबारा हम लोगों को वही मांग दोबारा बुलंद करनी पड़ रही है। बल्कि इतना ही नहीं, 14 साल तक की ही नहीं, हम आज ये मांग उठा रहे हैं कि भाई यदि आप कहते हो कि ये देश महासत्ता बनने जा रहा है, यदि आप कहते हो कि इस देश में इतनी संपत्ति का निर्माण हुआ है, तो कम से कम हम अपने सारे बच्चों को स्कूली शिक्षा 12वीं तक तो फ्री कर ही सकते हैं। ये सारे बच्चों का हक बनता है, इस देश के पास उतना पैसा है कि ये कर सकता है। अफसोस की बात है कि ये मांग आज फिर बुलंद करनी पड़ रही। इतनी ही नहीं, ये भी मांग करनी पड़ रही है कि यदि आप वाकई चाहते हो कि ये देश विकास करे, तो आपको उच्च शिक्षा भी सब लोगों को एक्सेसिबल करना पड़ेगा कि सब बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करें। ये मांग आज मुश्किल से 16% बच्चे हायर एजुकेशन 12वीं क्रॉस कर पाते हैं, दलित में से सिर्फ 6 से 8% बच्चे दलित और एसटी में से 12वीं क्रॉस कर पाते हैं, मुस्लिम्स का परसेंटेज सिर्फ 9% है। यदि आज हम वाकई चाहते हैं कि सारे के सारे बच्चे उच्च शिक्षा का आनंद लें, विकास की नींव रखी जाए, तो हमको निश्चित तौर पर हायर एजुकेशन भी सारे बच्चों के लिए एक्सेसिबल करना पड़ेगा। ये जो सारा धंधा बना हुआ है कि लाखों रुपए लेकर बीए, बीएससी और एमडी वगैरह के लिए तो करोड़ों रुपए लगता है, ये सारा इसका विरोध करना होगा। हम आज जो मांग उठा रहे हैं वो आज इस देश का संविधान जिन लोगों ने बनाया उनकी आत्मा आज फिर करवट ले रही है कि हम कहां पहुंच गए, उनकी आत्मा को शांतता देने के लिए कि नहीं, हम आपका सपना जिंदा रखे हुए हैं, आज फिर दोबारा वही मांग उठाई जा रही है। तो दोस्तों, ये अभियान यह समाप्त नहीं होने वाला, एक सभा से कुछ नहीं होने वाला, हम लोगों को इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। देश भर के 200 से ज्यादा संगठन इस आंदोलन में शामिल हैं, हमको अपनी मांग को बुलंद करना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस लड़ाई में जरूर हमारे साथ शामिल होंगे। धन्यवाद।